टी सीरीज और प्रभास की मेगा बजट मूवी आदि पुरुष के बिगेस्ट डिबेकल के बाद लोगों ने रामायण पर काम करने से साफ इनकार कर दिया था। अंटिल अनलेस अयोध्या वाला राम मंदिर प्रोग्राम इतना हिट नहीं हुआ। आजकल पूरे देश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है और इसी बात से राम का मुद्दा फिर से गर्म हो चुका है। इवन तेलुगु मूवी हनुमान ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, बिकॉज पूरे देश में राम भक्त हनुमान की चर्चा है। बहरहाल मामला गर्म है, इसलिए नीतीश तिवारी ने अपनी मूवी रामायण को फिर से रीएक्टिवेट कर दिया है। इस मूवी को कई बड़े लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर नीतीश तिवारी के साथ मधु मंटेना, नमित मल्होत्रा और अल्लू अरविंद हैं, जो कि पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन के पिता हैं। बात करें मेन स्टार कास्ट की तो रणवीर कपूर राम के रोल के लिए फाइनलाइज हुए हैं, साई पल्लवी सीता का रोल करेंगी और केजीएफ स्टार यश रावण के रोल के लिए मान गए हैं। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ, फिर भी इनसाइडर कहते हैं खबर कन्फर्म्ड है। यहाँ तक कि रणवीर कपूर के बारे में कहा जा रहा है उन्होंने नॉनवेज अल्कोहल छोड़ दिया है, बिकॉज वो राम के रोल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बहरहाल एनिमल के बाद उनको राम के अवतार में देखना काफी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हालांकि मजे की बात है, कुछ और रामायण के इंटरेस्टिंग किरदार हैं जिनकी कास्टिंग सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही है। जैसे लारा दत्ता को कैकेयी के रोल के लिए लॉक किया गया है। इसके अलावा सेक्रेट गेम के स्टार को सुपर खा के लिए अप्रोच किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो कास्टिंग है वो सनी देओल की है, जिनको हनुमान के रोल के लिए काफी टाइम से मनाया जा रहा है, लेकिन सनी देओल मानने का नाम नहीं ले रहे। इसके कई रीजन है। पहली बात तो ये, गदर के बाद सनी देओल चाहते हैं उनको बहुत ही मोटी रकम मिले, खासतौर से 45 करोड़। नीतीश तिवारी इस रकम के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज वो जानते हैं रामायण में बहुत सारी बातों को दिखाना है, ऐसे में हनुमान को इतना लंबा फुटेज नहीं मिलेगा। दूसरा रीजन है लीड रोल की कमी होना। सनी देओल ऑलरेडी कई फिल्मों में लीड रोल प्ले कर रहे हैं, फिर चाहे वो बॉर्डर 2 हो, गदर 3 हो, सफर हो या फिर उनकी आने वाली फैमिली प्रोडक्शन की मूवीज, हर जगह सनी लीड रोल करने वाले हैं। ऐसे में वो आमिर खान के साथ लाहौर 47 में भी लीड रोल प्ले कर रहे हैं, तो फिर रामायण में छोटा रोल क्यों करेंगे? अंटिल अनलेस हनुमान के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड हो। हालांकि अभी मामला अर्ली स्टेज पर है, डिस्कशन किया जा रहा है और हो सकता है दारा सिंह की तर्ज पर सनी पाजी कन्विंस हो जाए, बिकॉज राम प्रतिष्ठा प्रोग्राम में उनको भी इन्वाइट किया गया है। ऐसे में रामायण से जुड़ी प्रोजेक्ट पर फिल्म बनने से उनको भी हिस्सा बनने का फायदा मिलेगा। बहरहाल कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश तिवारी ने सनी देओल के भाई बॉबी को भी अप्रोच किया है अपने पसंद का रोल चुनने के लिए, जहां पर उनको कुंभकर्ण और विभीषण के रोल का ऑप्शन दिया गया है। उम्मीद करते हैं सनी बॉबी दोनों इस तरह के छोटे मोटे रोल नहीं करेंगे, बिकॉज उनका स्टारडम आजकल फिर से लाइमलाइट में है और नीतीश तिवारी की बड़ी स्टार कास्ट के सामने उनके लिए बहुत कम पोटेंशियल होगा अपने टैलेंट को शोकेस करने का। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।